आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें पटरी पर दौड़ी देश की पहली रैपिड रेल। गाजियाबाद में पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, रैपिड एक्स रेल को हरी झंडी दिखाई गई। आपको बता दें उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने ट्रेन में सफर भी किया। ट्रेन पहले चरण में गाजियाबाद से दुहाई तक चलेगी। इसका किराया 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक है। रैपिड एक्स को देश की मिनी बुलेट ट्रेन कहा जा रहा है। 17 किलोमीटर की दूरी को 12 मिनट में पूरी कर लेगी ये ट्रेन। आम यात्री आज से यात्रा कर सकेंगे, ये एक अच्छी खबर है। नव भारत टाइम्स के हवाले से एक खबर देखिए सामने आई है, और इससे पहले भी भारत 24 की एंकर महिमा सिंह कंवर ने एक अच्छी खासी रिपोर्ट बनाकर आपको दिखाया था कि किस तरह से सुख सुविधा आम जन जनता को इस ट्रेन के अंदर मिलने वाली है आयुषी। और देखिए इससे पहले भी मैं जिक्र कर चुकी हूँ इसी ट्रेन को लेकर के, क्योंकि जब शुरुआत की गई थी, और ये तस्वीर भी आपके सामने है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी महिलाओं से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि साक्षी पहले मैं बात भी कर रही थी आपसे कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण की जब बात की जाती है, एक एग्जाम्पल भी ये देखिए स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि वंदे भारत और उसके बाद में एक और ट्रेन, और उसके बाद में क्योंकि देखिए इसके साथ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तंज भी कसा था, और वो तंज क्या गया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर के कुछ बातें कहते हुए प्रधानमंत्री नजर आए थे। मुख्यमंत्री योगी पहले जो सपना था आज वो मुमकिन है, ये कहते हुए नजर आए हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो वहीं पर मौजूद थे जिस वक्त ये देखिए हरी झंडी दिखाई जा रही थी। इसके अलावा राजस्थान को लेकर के जिक्र किया गया, निशाना साधा गया था एक तरह से। और उसके बाद में देखिए बेटियां चला रही है नमो भारत, आगे बढ़ रही है नारी शक्ति। नारी शक्ति के बार बार जब जिक्र करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि एक और सौगात तो देश को मिल ही रही है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, पर इसी के साथ में महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक बड़ा उदाहरण भी, क्योंकि महिला कर्मचारी आपको मैक्सिमम नजर आएंगे इसमें। बिल्कुल आयुषी, क्योंकि 50% से ज्यादा महिला कर्मचारी इसमें होंगे, और देश की पहली रैपिड ट्रेन नमो भारत लॉन्च हो चुकी है। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। दैनिक भास्कर में भी पहली खबर यही बताई गई है, और तमाम जो उपलब्धियां हैं जैसे कि मोबाइल लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स हुए, या फिर जो किराया हुआ उसका सस्ता होना हुआ, और फैसिलिटीज के लिहाज से बेहद अहम हो जाती है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ अहम बातें कही, पहले आप वो सुनिए। भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। तो देखिए पीएम मोदी को आप सुन रहे थे, अब नारी शक्ति को लेकर पीएम मोदी ने उस दौरान में क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत पर भी तंज कसा है। पीएम ने नमो भारत ट्रेन की जमकर तारीफ की, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। राजस्थान बोला है तो गहलोत की नींद खराब हो जाएगी। हिंदुस्तान के हवाले से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और ऐसे में राजस्थान को लेकर दोनों ही पार्टियां काफी इनसिक्योर, क्योंकि राजस्थान का इतिहास बताता है कि वहां सरकार किसी भी पार्टी की रिपीट नहीं हुई है। ऐसे में मौजूदा सरकार है, क्योंकि वहां पर फिलहाल अशोक गहलोत की, आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा चुनाव से ठीक पहले। मैं दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए नमो भारत जो है उसको राजस्थान से भी जोड़ा जाएगा, और अगर राजस्थान का जिक्र हो चुका है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि कुछ तीखी नोकझोंक इन दोनों के बीच में देखने को मिली थी जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए थे राजस्थान के दौरे पर। और इसी के साथ में देखिए नमो भारत के नाम से बौखला गई है कांग्रेस के नमो भारत नाम पर तंज कसा। भारत भी क्यों
कहां जाए। पवन खेड़ा के द्वारा कहा गया है देश का नाम भी नमो रख दीजिए। पवन खेड़ा के द्वारा कहा गया नमो स्टेडियम के बाद अब नमो ट्रेन जयराम रमेश द्वारा, यानी कि आप समझिए कि किस तरह से इस नमो भारत के बाद में तमाम जो बयान है वो सामने आ चुके हैं। अमर उजाला के हवाले से खबर है, क्योंकि देखिए पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का जिक्र करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आया, उसके बाद में देखिए तमाम स्टेटमेंट साक्षी लगातार सामने आ रही है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल आयुषी, तो एक तरीके से नाम के ऊपर फिर से विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां हमने देखा था कि G20 समिट से पहले भारत और इंडिया नाम को लेकर एक पूरी तरीके से राजनीतिक गलियारों में शोर समझ गया था, कोई कह रहा था भारत का नाम क्यों यूज किया जा रहा है, उसके बाद नमो भारत नाम को लेकर भी वही माहौल एक बार फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस अब एक बार तंज फिर से कसती भी नजर आ रही है पूजा नमो नाम को लेकर। देखिए इसी पर हमारी कल चर्चा भी रही थी दोपहर के दौरान में ही, जब कांग्रेस के नेताओं का यह रिएक्शन आना शुरू हुआ था और तब उनकी तरफ से यह कहा जा रहा था कि नमो भारत ही क्यों। फिर उस पर देखिए सवाल ये उठता है कि इस तरीके से तो चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, उनके नाम पर भी न जाने ऐसी कितनी ही योजनाएं हैं, न जाने कितने ही ऐसे अस्पताल हैं, लेकिन बीजेपी का पक्ष ये है कि नमो का मतलब नरेंद्र मोदी क्यों है, हमारे यहाँ पर नमो नमः कहा जाता है तो आप उससे जोड़कर देखने की बजाय इसमें पीएम का नाम क्यों देख रहे हैं और आपको क्यों एतराज़ है। तो कुल मिलाकर देखिए जब भी कोई इस तरह का मौका होता है देश की सियासत गरमा जाती है और इस पूरे मामले को लेकर भी हम यही देखते हुए नजर आ रहे हैं।